भाई जो अच्छा लगे ना काम, जिसको जो लगता है तुमको ये काम अच्छा तुम कर लोगे, हर्ड मेंटालिटी पे मत जाओ। लोग क्या बोलते हैं ये कर ले इसमें बहुत कमाई है, ये कर ले, अपना दिमाग लगाओ, अपना सोचो, अपने आइडियाज निकालो और सच्ची नीयत और पूरी शिद्दत के साथ काम करो, एकदम प्योरेस्ट ऑफ इंटेंट जिसको बोलते हैं, सच्ची नीयत के साथ काम करो, इमोशंस को जोड़ो मत, वरना जो तरक्की 2 साल में होनी है 5 साल लगेंगे, आइडियाज इम्प्लीमेंट हो नहीं पाते इमोशन जुड़ने के बाद। आज मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, देखो अगर आप लोग आरपी पहले नहीं देखते थे ना, तो प्लीज़ या तो मेरी मर्सी की हमारी पुरानी आरपी फॉलो करो तो आके आप बजो, या प्लीज़ आप अपने फेवरेट स्ट्रीमर्स की आरपी देखो जिनको आरपी करनी आती है आपके अकॉर्डिंग। अगर आप अभी तक बीजीएमआई देखते आए हो, आरपी का बहुत डिफरेंट चीज़ है एकदम बीजीएमआई से, तो उसको कंपेयर मत करो। तो जब वहाँ नेपोटिज्म करते हो समझ में आता है कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म, वहाँ में भी आपको हम लोग का ग्राइंड असल किसी की जो 3 साल से गांड बना रहे हैं वो दिखता नहीं, सीधा नेपोटिज्म समझ में आता है। सीधी सी बात है भाई, कल को मेरा बच्चा होगा, मर्सी का बच्चा होगा, मॉडल का होगा, थक का होगा, बाप एक बिजनेस सेटल करता है या पेरेंट्स एक बिजनेस बनाते हैं तो अपने बच्चों के लिए बनाते हैं ना, तो आई डोंट थिंक उसमें नेपोटिज्म वाली कोई बात है। हमारा बच्चा अगर आगे गेमर बन जाएगा और उसको यूट्यूब बना बना मिल जाएगा तो मैं उसको कोई बड़ी बात नहीं समझूंगा, अगर हमारे बच्चों को वैसा हुआ उनको गेमिंग में आना है। इस हिसाब से तो जो धंधा करने जाते हैं अपना पापा की कुर्सी में बैठते हैं बिजनेस में, सब नेपोटिज्म हो गया तुम्हारे हिसाब से, तो अभी सोच के देखना ठीक है। एवरीबडी हैज वर्क देयर वे अप टू वेयर दे आर। मर्सी कितने बच्चे करेगा? मर्सी एक बारी में कर देगा जो होना होगा।